आप सभी लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि रमप्पा मंदिर, जिसे आप लोग रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसे भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल चुना गया है। अगर आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर अपने उठा के देखते होंगे तो आप लोग भली भांति जानते भी होंगे कि जो आपके विश्व धरोहर स्थल है, इनसे दो चार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं रिलेटिव। यहाँ तक आप देखिए कि इस जो समिति इसे एक्सेप्ट करती है, जिसके पास सिफारिश के लिए भेजते हैं, यूनेस्को हो गया, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स ले लीजिए या सिविल सर्विस ले लीजिए, वन डे एग्जाम ले लीजिए, यहाँ तक आप देखेंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव आ जाता है। और आप देखिए कि महत्वपूर्ण टॉपिक है तो एक बार में ही आप लोगों को कवर कर लेना चाहिए। सभी स्थलों को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इस राज्य में है, और इसमें आपको ये भी देख लेना चाहिए कि इसमें क्या खासियत है इस स्थल में, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे कि आपका जो 39वां विश्व धरोहर स्थल है रमप्पा मंदिर, इसके बारे में भी जान लेंगे, और जो समिति इसे स्वीकार करती है उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और एक काम और करेंगे, यूनेस्को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके जो संगठन है इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ये किस राज्य में है आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे तेलंगाना में। और अगर आप लोग तेलंगाना से हैं तो इस तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप लोग रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर को आपने देखा होगा कि सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय इसमें कुछ कमियां भी बताई गई थी और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया था। इसका विरोध करने वाला एकमात्र देश था नॉर्वे, समझ रहे हैं आप, उसने इसका विरोध किया था, लेकिन अब जाकर इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, और आप लोग एक बार तेलंगाना को भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार इससे संबंधित आपका जो भी राज्य रहता है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे प्यारा भारत, इसमें सभी राज्य आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था, समझ रहे हैं आप लोग। और इसकी अगर हम लोग यहाँ लोकसभा सीटों की बात करें तो 17 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटों की बात करें 7 देखने को मिलेगी, विधानसभा सीटों की बात करें तो आपकी 119 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद की बात करें तो 46 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 46 सीटें, यानी कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर हम लोग देखिए, आप लोग ये भी देखते होंगे कई बार आपका क्या होता है कि इससे लगे हुए राज्यों के बारे में भी पूछ लेता है कि तेलंगाना कितने राज्यों को छूता है, इसकी सीमा लगती है। तो एक तो आंध्र प्रदेश है, एक आप देखेंगे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऊपर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस तरह से आप कितने देखेंगे, 1 2 3 4 राज्यों से लगती है आपकी तेलंगाना की राज्य सीमा, राज्यों से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट इस मंदिर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्या करते हैं, जान लेते हैं। क्या खासियत है इस मंदिर में और किस वजह से इसे शामिल किया गया है? रुद्रेश्वर मंदिर, या इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, रमप्पा मंदिर। तो रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। काकतीय जो साम्राज्य था, वंश था, इसके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। काकतीय राजा थे गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने करवाया था। किसके? गणपति देव के एक सेनापति, इसका नाम क्या था? रेचारला रुद्र ने। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है। कौन है? रामलिंगेश्वर स्वामी। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रमप्पा मंदिर के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो मूर्तिकार एक तरह से यहाँ का निर्माण कर रहा था इस मंदिर का, उसी के नाम पर रख दिया गया। अच्छी बात है।
मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें आप देखेंगे दीपारें, स्तंभों, छतों पर जटिल नक्काशी से सजावटी की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करता है। और इसकी नींव आप देखेंगे सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है। आगे हम लोग बात करेंगे सैंडबॉक्स तकनीक होती क्या है, जिसमें फर्श ग्रेनाइट नाइट पत्थरों से है और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से देखने को मिलेगा। दोनों तरह के आप पत्थर इसमें देख भी सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मंदिर का निचला हिस्सा। मंदिर का जो निचला हिस्सा है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि सफेद गोपुरम को हल्की ईंटों से बनाया गया है, जो कथित तौर पर पानी पर तैर सकती हैं। और एक शिलालेख के अनुसार मंदिर के निर्माण की तिथि माघ माह की अष्टमी यानी कि 12 जनवरी 2000 माफ करिए 12 जनवरी 1214 में, यानी कि सब शक संवत आप देखेंगे 1135 के आसपास बताया जाता है। मंदिर परिसरों से लेकर प्रवेश द्वारों तक काकतीयों की विशिष्ट शैली, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है, और दक्षिण भारत में मंदिर और शहर के प्रवेश द्वार में सौंदर्य शास्त्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप की पुष्टि भी करते हैं। और इस तरह की आप लोगों ने विशेषताएं मंदिरों में देखी भी होंगी, बड़े सजावटी। आज भी आप देखिए कि इस तरह की सजावट नहीं हो पाती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह के सजावटी रहे होंगे। यूरोपीय व्यापारी और यात्री मंदिर की सुंदरता से मग्नमुग्ध थे, और ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया है कि मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा था। अब सैंड बॉक्स तकनीक को भी देख लीजिए। इस तकनीक में इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरना शामिल है, और इस जिससे नींव रखने के लिए खोदे गए गड्ढों को रेत, चूने, गुंड यानी कि बांधने के लिए, और कर्क या हरन का काला फल की मिश्रण के साथ भरा जाता है इस गड्ढे को। भूकंप की स्थिति में सैंडबॉक्स तकनीक से निर्मित यह नींव एक कुशल कुशन के रूप में काम करती है। भूकंप के कारण होने वाले अधिकांश कंपन इमारत की वास्तविक नींव तक पहुंचने से पहले ही रेत से गुजरते समय ही खत्म हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आप देखते हैं भूकंप आता है तो कई इमारतों को ढह देता है, गिरा देता है, तो इससे भी उसकी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए कि समिति के बारे में भी कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्योंकि समिति के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक साल में एक बार होती है, और इस समिति में अभी समय के पक्षकार देशों से 21 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब देखिए आपका डायरेक्ट अगर वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे प्रीलिम्स में तो आपसे पूछ लेगा विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में कितने बार होती है, और अगर क्वेश्चंस आपका स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स या सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछता है तो किस तरह से बनेगा, आपसे पूछ लेगा विश्व धरोहर समिति के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। नीचे आपको कहेगा कि इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, इसमें 21 की जगह वो 22 दे देगा या 21 ही दे देगा, आप लोगों को चुनना होगा। और इनके जो सदस्य चुने जाते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ये भी पूछ लेता है। तो इन प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव 6 साल तक के लिए किया जाता है, कितना, 6 साल के लिए। इस समिति के अगर हम लोग कार्यों की बात करें, किन की कार्यों की, इस समिति का मुख्य कार्य तो यही है कि विश्व विरासत अभी समय का कार्यान्वयन करना और विश्व विरासत कोष से वित्तीय सहायता आवंटित करना, किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के संबंध में विश्व धरोहर समिति का निर्णय ही अंतिम होता है। किसका, विश्व धरोहर समिति का है। यह समिति विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट की जांच करती है, और इन स्थलों को संकटापन्न विश्व विरासत की सूची में रखने या हटाने के विषय पर निर्णय भी लेती है। कौन, यह समिति, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या विश्व धरोहर समिति की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को का उद्देश्य मानवता के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली पूरे विश्व में सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान करना, उनकी सुरक्षा करना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना, इसका एक तरह से उद्देश्य है। किसका, यूनेस्को का।
और यूनेस्को के बारे में अगर कुछ और पॉइंट बताऊं तो याद रखिए 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। कहाँ? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की संरक्षण से संबंधित अभिसमय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल है, और इस संधि को यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाया गया था। कब? 1972 में इस संधि को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व धरोहर स्थल के हेतु नामांकन की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले किसी देश को द्वारा अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को एक दस्तावेज में सूचीबद्ध किया जाता है, और इस दस्तावेज को आप लोग संभावित सूची के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी आपके हाल में ही 9 स्थानों को भेजा गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि 6 स्थान ही हमारे संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। इनमें कौन कौन है? एक तो आपने सुना होगा कि वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे वेनगल को जगह मिली है। किसमें? संभावित सूची में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस सूची में कुछ स्थलों का चयन करके इन्हें एक नामांकन फाइल में रखा जाता है, और फिर स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद और विश्व संरक्षण संघ द्वारा नामांकन फाइल में शामिल स्थलों का आकलन किया जाता है। सीधा सा मतलब आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई इस तरह की जगह है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक फाइल में उनका नामांकन करेंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे, उस फाइल को आगे भेजेंगे आप लोग, ठीक है। वो फाइल में अगर कुछ एक्सेप्ट होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। आगे उन सूची में से भी आप देखेंगे कि आगे फाइल बनेगी आपकी, और उसे आप लोग कहाँ भेजेंगे? स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद और विश्व संरक्षण संघ के पास। और ये क्या कहेगा कि जो नामांकन में फाइल हो गए, जो स्थल होंगे आपके, इनका आकलन करेगा, इनके बारे में देखेगा, और फिर क्या करेगा? किसी भी देश के द्वारा संभावित सूची में शामिल स्थलों से भिन्न भिन्न स्थलों को नामित नहीं किया जा सकता है। भिन्न स्थलों को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने एक सूची में जो संभावित सूची में भेजे थे, उसके बाद ऐसा नहीं कि किसी और को जोड़ दें आप लोग, उन्हीं को भेजना होगा, उन्हीं में से भेजना होगा आपको। आकलन के बाद क्या होता है? आकलन के बाद आप देखेंगे कि ये संस्थाएं विश्व धरोहर समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो विश्व धरोहर समिति है, इसका निर्णय ही अंतिम होता है। तो ये है आपके, समझ रहे हैं पॉइंट? तो अभी तक याद रखिएगा, अब आपके 31 तो सांस्कृतिक हो जाएंगे और 7 आपके प्राकृतिक हैं ही, एक मिश्रित हो जाएगा, टोटल आपके 39 हो जाएंगे। अब इन सब के बारे में मुझे लगता है याद भी रखना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चंस कभी भी किसी भी तरह का पूछ ले आपसे। और बता देता हूँ आपका, इसका मुख्यालय भी यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में। अब आप पेरिस फ्रांस कहाँ देखेंगे? तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा प्यारा भारत एशिया में। और यहाँ से आप जाएंगे तो पेरिस फ्रांस, आप लोगों ने देखा होगा ये फ्रांस वही है जहाँ से आप लोगों ने राफेल खरीदे थे, ये है आपका पेरिस फ्रांस, ठीक है। चलिए, इसके बारे में यही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस बनता है तो इन्हीं से पूछ लेगा आराम से।